हम लोग का बन गया। अब चलिए इसको उतार देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का 7 बज रहा है और देखिए अभी पूरा इस तरह का मौसम किया हुआ है, पूरा डुंडरू डुंडरू कुछ था, है ना। मालिक चिकन दिए हुए हैं, तो चलिए अभी बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, दोनों मिल के बनाएंगे क्या। तो चलिए अभी चलते हैं बनाने के लिए। तो चलिए वहाँ पे रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग तेल ये सब नमक मिर्चा और प्याज व्याज सब यहीं पे रखते हैं। तो अभी निकाल रही है शक्ति झोला से, तो चलिए निकालिए टमाटर लहसुन प्याज सब निकालिए। अब चलिए इसको काटते हैं। हाँ, और इधर देखिए प्याज, तो चलिए काटिए, यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद अभी काटते हैं क्या। चलिए प्याज हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो देखिए इधर प्याज अभी शक्ति काट रही है, तो चलिए काटिए, टमाटर भी है, प्याज भी है, सब कुछ है। तो चलिए अभी अच्छा से धो लो, टमाटर को धोने के लिए जा रही है शक्ति उधर, तो चलिए धो के लाइए। तो दोस्तों हम प्याज लहसुन अदरक और गरम मसाला और मिर्चा काट लिए हैं, अब चलिए भूनने के लिए जाते हैं। कढ़ाई गर्म हो रहा है, तो चलिए जल्दी काटिए जी। हो गया, अब लहसुन को थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। चलिए यहाँ पे चिकन रखा हुआ है, तो चलिए इसको अच्छा से धोएंगे, उसके बाद बनाएंगे। और इधर तेल ला के रख दिए, अब चलिए इसको पूरा अच्छे से अभी धो लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं क्या जी। हाँ। और यहाँ पे देखिए पानी रखा हुआ है, तो चलिए अभी धोते हैं चिकन को। तो देखिए दोस्तों चिकन को अभी उझल लिए हैं, और चलिए इसमें पानी अभी दे रही है शक्ति, तो चलिए इसको एकदम पूरा साफ से धोएंगे, उसके बाद अभी बनाएंगे क्या। हाँ। चलिए पानी डाल दिए, अब अच्छा से धोती है शक्ति, छोटा छोटा पीस कर देना। हाँ, हाँ। चलिए अब धोते हैं, उसके बाद अभी उधर गर्म हो रहा है कढ़ाई। तो दोस्तों हम चिकन को धो के ला लिए हैं, देख सकते हैं। अब चलिए तेल डालने जा रहे हैं कढ़ाई में, देख सकते हैं हम लोग को कढ़ाई भी गर्म हो गया है, अब तेल डालते हैं इसमें। दोस्तों हम तेल डाल दिए और प्याज लहसुन काटे हैं, ओला को अभी निकालेंगे, उसके बाद में फिर डालेंगे यहाँ पे। चलिए निकालते हैं अभी। तो दोस्तों हम निकाल लिए हैं प्याज लहसुन सब कुछ। तो दोस्तों हम लोग का तेल गर्म हो गया है, और यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक मिर्चा और गरम मसाला है, वो सब डालने जा रहे हैं अभी। चलिए डालते हैं। तो दोस्तों हम डाल दिए, अब चलिए इसको भूनते हैं, देख सकते हैं। हम भूनने में लग गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं, थोड़ा देर इसको भूनते हैं, उसके बाद में चिकन को डाल देंगे ना। दोस्तों लकड़ी खत्म हो गया, तो हम लकड़ी डालने के लिए जा रहे हैं। अब इधर शक्ति अभी प्याज को अभी भून रही है, तो चलिए यहाँ लकड़ी दे देते हैं। और दोस्तों हम लकड़ी दे दिए, और देखिए पूरा क्या ही सुंदर जलने लगा हम लोग का लकड़ी। प्याज भी कितना सब दिख रहा है, पूरा डाल दिए हैं, लहसुन डाल दिए, मिर्चा डाल दिए, और प्याज और गरम मसाला अदरक और तो दे दिए दोस्तों। हम खाएंगे गोला को, और यहाँ खाते हैं लहसुन। हाँ, और गोलकी भी थोड़ा सा डाल दिए हैं, तो चलिए अभी भूनते हैं, उसके बाद चिकन को डाल देंगे क्या। हाँ। तो दोस्तों हम लोग का प्याज भुंजा गया है, अब चलिए चिकन डालने जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर चिकन है, चिकन को डाल देंगे अभी। दोस्तों हम चिकन डालने में लग गए हैं अभी, चलिए डालते हैं सब कुछ पूरे। दोस्तों हम चिकन को डाल दिए, देख सकते हैं, और चलिए इसको भूनते हैं अभी कुछ देर। उसके बाद हल्दी मसाला नमक टमाटर अभी देंगे बाद में। तो दोस्तों हम नमक डालने जा रहे हैं, चलिए डाल देते हैं। तो दोस्तों हम नमक डाल दिए, अब चलिए इसको भूनते हैं। दोस्तों हम लोग नमक डाल दिए, अब ढकने जा रहे हैं थाली से, तो चलिए ढक दिए, अब कुछ देर सीझने के लिए दे देते हैं।
तो दोस्तों हम लोग का चिकन थोड़ा सा सीझ गया, उसके बाद टमाटर को भी डाल दिए। अब चलिए फिर से ढक देते हैं इसको, हम ढक दिए फिर से, अब सीझने के लिए देते हैं। तो दोस्तों मसाला जो पीस कर रखे थे वोला डालने जा रहे हैं, देख सकते हैं पानी में पूरा भून गया है, उसी को डाल रहे हैं। चलिए मसालों को डाल दिए, अब हल्दी डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम हल्दी डाल दिए, चलिए इसको चलाइए। देखिए हल्दी डाल दी, तो इसके बाद हम अभी चला रहे हैं इसको। तो दोस्तों देखिए हल्दी मसाला पूरा डाल दिए, अब चलिए इसको अभी चलाते हैं। देखिए तो दोस्तों हल्दी मसाला सब डाल दिए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए इसको अभी सीझने के लिए देते हैं। पूरा क्या ही मस्त बन गया, देखिए पूरा एकदम होटल जैसा बन गया। चलिए इसको अभी थोड़ा सा और सीझने के लिए दे देते हैं क्या। चलिए इधर आग बुत गया, तो आग को अभी जला रहे हैं, और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि देसी तरीका से बना रहे हैं। तो इसमें अभी थोड़ा हल्का सा पानी डाल देते हैं क्या, इसमें क्योंकि ग्रेवी बनेगा अच्छे। तो चलिए अभी डाल देते हैं, डाल दीजिए जी। देखिए थोड़ा सा भी पानी दे रहे हैं क्योंकि अच्छा से सीझेगा। चलिए पानी डाल दिए, अब थोड़ा सा ढक देते हैं। तो दोस्तों हम लोग का चिकन बन गया, अब MDS डालने जा रहे हैं। अब चलिए उतार देते हैं, उसके बाद खाने में लग जाएंगे क्या, काफ़ी भूख लग गया। तो दोस्तों हम MDS डाल दिए, अब चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, उसके बाद उतार देते हैं। चलिए और देखिए पूरा अच्छा से हम लोग का बन गया, अब चलिए इसको उतार देते हैं। चलिए आइए जी। तो दोस्तों हम उतारने के लिए जा रहे हैं, देखिए चलिए उतार के रख लेते हैं। इधर ही रख दो खाना तरफ, और उसमें हम लोग का खाना बना हुआ है, और चिकन यहाँ पे रख दिया। अब चल और देखिए पूरा क्या ही सुंदर बन गया। अब चलिए इसको ढक दीजिए, उसके बाद अभी खाना खाएंगे क्या। चलिए तो दोस्तों हम लोग खाना लगा लिए, और देखिए उधर चिकन को बांट लिए, अब चलिए खाने के लिए जाते हैं। और शक्ति बांट दी, अब चलिए खाते हैं। तो दोस्तों हम लोग बैठ गए खाने के लिए, और देखिए इधर लगा लिए, और चलिए अभी खाते हैं, और आप लोग को टेस्ट बताते हैं क्या। चलिए देखिए दे दिए, अब चलिए खाने के लिए जा रहे हैं, खा सकते हैं। काफी सुंदर है, और चलिए अब खाते हैं। हाँ सुंदर है ना। तो हम लोग खाना खत्म कर लिए, देखिए ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए अभी हम धोने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए धोने के लिए जाते हैं, और इधर डब्बा में पानी रखा हुआ है, तो चलिए धोते हैं। तो दोस्तों हम लोग खाना पीना खा लिए, और इधर शक्ति भी धो ली का। अब चलिए थाली उठाते हैं। हाँ उठाइए, इधर थाली को मांझना होगा, तो चलिए अभी लेके जा रही है का। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय।